तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। हम आ गए हैं घर पे और अब हम देखते हैं क्या करेंगे। वेलकम गाइस इन न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है और ऐसे सपोर्ट करते रहें और साथ देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, गाने को सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, मेरे फोटो लाइक करते रहें, इंस्टाग्राम पर देखते रहें, देखते रहें। बंद हो जा। Hey guys, welcome back to new vlog। मैं दीपान चने वाला आप सबका स्वागत करता हूँ भाई एक नए व्लॉग में। तो भाई अभी बज रखे सुबह के 8:30 और आज भाई फरीदाबाद जाने का प्लान है। भाभी जी को लेके आएंगे भाभी जी के घर से। उससे पहले भाई नहा धो के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ये देखो भाई रूम की हालत, पूरा का पूरा रूम कैसे बिखरा हुआ है। तो पहले रूम सेट करेंगे पूरा और फिर नहा के चलते हैं भाभी जी के घर पे। तो आज कोई और प्लान भी हो सकता है भाई, मूवी वगैरह का, तो देखते हैं वहाँ से कहाँ जाएंगे। तो चलते हैं, पहले रूम सेट करते हैं फिर नहाते हैं भाई। तो भाई रूम की साफ़ सफाई कर दी है बिल्कुल, और ये देखो सारे जो रिजाई वगैरह थी सब उठा दिया है। अभी नीचे की साफ़ सफाई मतलब अंटे आके झाड़ू वगैरह कर देगी। तो अभी भाई जल्दी से नहाते हैं, पहले कपड़े निकाल के और फिर चलते हैं गाजियाबाद। तो भाई मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ और गोविंद भाई ऊपर रेडी हो रहे हैं। इतने भाई मैं और मोस्टली जाके अरे बाजार में थोड़ा काम है तो आऊँगा, इतने गोविंद भाई भी रेडी मिलेंगे और खाना भी बना मिलेगा। तो आने के बाद चलते हैं। तो भाई स्कूटी लगा दी है यहाँ पे पार्क और अब चलते हैं अंदर मार्केट में। तो भाई हम आए हैं ज्वेलरी मार्केट में और अब मार्केट से शॉपिंग करके थोड़ा बहुत सामान लेना था और फिर चलते हैं घर पे। रास्ते में भाई हेलमेट लिया हमने नया, एक घर जाके दिखाऊंगा। और स्कूटी पे तो व्लॉगिंग कर नहीं सकता क्योंकि भाई सेफ नहीं है इसलिए। और मौसी को पुराने वाला हेलमेट दे दिया, ये वाला जो शुरुआत में लेके आए थे हम। वैसे ये पहना नहीं कभी, पहली बार मौसी ने पहना है और ये बिना पहने टूट गया भाई, स्कूटी में पड़ा टूट गया। तो अभी नया हेलमेट लिया है, घर जाके दिखाऊंगा कैसा है। अभी भाई सामान ले लेते जल्दी जल्दी। अभी तक भाई मार्केट खुली भी नहीं है, बंद पड़ी है, सब बोल रहे 11 बजे खुलेगी। तो देखते हैं, आई होप जो हम सामान यहाँ पे लेने आए हैं वो मिल जाए हमें। ये देखो भाई सारी की सारी मार्केट बंद हो गई है, बिल्कुल सारी की सारी। अभी एक दुकान खुली है भाई, अभी खुली है अंकल ने जस्ट। तो पहले सामान ले लेते हैं यहाँ से और मार्केट तो भाई 11-12 बजे खुलेगी यहाँ पे। जो सामान हम लेने आए थे वो हमें नहीं मिला, तो भाई 11 बजे मार्केट खुलेगी, तो रास्ते में जाते वक्त लेना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं भाई घर पे। तो भाई सामान सारा ले लिया है, अब चलते हैं घर पे और लेट भी हो गए भाई काफ़ी, सामान लेने में देरी कर दी मौसी ने। स्कूटी यहाँ लगाई थी भाई, यहाँ खड़ी कर दी पार्किंग वाले भैया ने, उसमें सामान रखते पहले। तो भाई घर आ गए हैं और गर्मी इतनी भयंकर थी भाई, हेलमेट की वजह से पूरा हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया और बुरा हो गया गर्मी में, फेस वॉश करके फिर निकलते हैं। बस हम लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं और मौसी को भाई मैं शॉपिंग वगैरह करवा लाया, अब भाई खाना खाऊंगा। और गोविंद भाई काफ़ी दिनों से भाई व्लॉग में नहीं थे, काफ़ी दिनों से क्या मतलब दो तीन दिन से तो घर पे नहीं है और दो व्लॉगों में नहीं है गोविंद भाई। तो बाहर गए थे मीटिंग वगैरह थी, बट गर्मी बहुत था भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अंदर बैठते हैं तो पता नहीं चलता, बाहर निकलते हैं तो पता चलता है, मुझे तो पता चला है बहुत ज़्यादा गर्मी है, चला भी जाता, मुझे तो चक्कर आने को हो गए थे इतनी गर्मी भाई। मैं भाई अब स्कूटी पे जाके आया हूँ, हेलमेट पहन लिया एक तो ऊपर से कुछ भाई ऑयलिंग कर रखी है और गर्मी बुरा हाल हो गया, पसीना पसीना हो गया अंदर भाई पूरा। तो भाई अब खाएंगे मस्त पोहा और दही। हम लोग निकल चुके हैं, अब भाई मैं बलेरो निकालूंगा, बलेरो खड़ी भाई इंडिया के पीछे ये खड़ी, और बलेरो निकाल के भाई फिर इंडिया निकालेंगे। निकल चुके हैं अब भाई, एटीएम में से पैसे निकलवाएंगे और फिर कुछ मिठाई वगैरह लेंगे और फिर भाई बाजार में से जो सामान हम सुबह नहीं ला पाए थे वो सामान लेंगे और शर्ट वगैरह लेके फिर चलेंगे भाई गाजियाबाद। और अभी गाड़ी में मैं, मुस्कान और गुलजार भाई और गोविंद भाई हैं, तो चलते हैं भाई। अब भाई मैं आया हूँ एटीएम में और एटीएम में हम निकलवाते हैं कैश। बाय बाय। तो भाई अभी हम आए हैं मिठाई की शॉप पे और अब भाई मिठाई लेंगे और कैश निकलवा लिया भाई, मिठाई भी अब ले लेंगे। मिठाई लेने के बाद जाएंगे भाई हम बाज़ार में भाई की शर्ट लेने के लिए, और शर्ट लेने के बाद भाई एक दो काम और है बाज़ार में, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और फिर भाई हम निकलेंगे गाज़ियाबाद के लिए। तो भाई मैं लूँगा मेरी दूध की बोतल क्योंकि भाई ये टेस्टी भी होती है और ठंडी भी होती है, इसलिए ऑर्डर रेडी होने में कम से कम 5-10 मिनट लगेगी भाई।
काफ़ी भीड़ रहती है भाई शॉप पे। तो भी है मिठाई ले ली है, अब चलते हैं भाई शर्ट लेने और जो बाजार में काम था वो कर लें। तो भाई हम आ चुके हैं कपड़े लेने के लिए और कपड़े लेंगे भाई पहले। मैंने लिए ये कैप क्योंकि भाई बालों में ऑयलिंग भी कर रखी है, साथ में भाई बाल सेट भी नहीं रहते और मेरे को बाल अभी बड़े बड़े करने हैं, तो इसके लिए भाई मैंने कैप ले ली। कैप मेरे को चाहिए थी तो अच्छी मिली नहीं थी, अब थोड़ी ठीक मिली है तो फिर ले ली। एक हज़ार वाली शर्ट ली है और गोविंद पहनी ये वाली, और मैंने लिए भाई दिस वन ब्लू कलर की शर्ट ली भाई, और ये यूनिक सी थी तो यूनिक चीज़ें मैं हमेशा लेता हूँ आपको बताइए। काफ़ी अच्छे लग रहे तीनों भाई अलग अलग। भाई ले लिए कपड़े और मस्त लागो, मस्त लागो ने दुकान में चेंज कर लिए और सासरा जावा इतनी तावल तो करनी पड़ेगी। अगला कहते लेट हो जाओ थे तो क्या हर बारी गाना में लेट हो जाओ, जनता का गाना में लेट हो जाओ, सासरा रखा गाते भू लेने में लेट हो गया। सारे लेट हो जाओ तो फिर काम कुकर चल रहा हो, टाइम होना पड़ेगा। ये देखो भाई अंदर बिठा रखे हमने काम को, चिल्लर नहीं है भाई बस भाई। तो भाई कपड़े वगैरह ले लिए हैं और मैंने कैप ली है, शर्ट ली है, गुलजार भाई ने चश्मा लिया है और शर्ट ली है, गोविंद भाई ने सिर्फ शर्ट ली है, अभी देखते हैं। और वॉच हुई तो भाई गोविंद भाई को एक वॉच की भी कह रहा हूँ, गोविंद भाई वॉच ले लो, थारती वॉच लेनी थी ये बढ़िया लगी तो वॉच भी लेंगे पक्की। रेडी तो हो गए हम सब लोग और अब कैप थोड़ी ठीक लग रही है। तैयार हो गई कि पूरे पहली शर्ट आपने भी अरे पहली अगर हम तो शॉपिंग कर ली है, अब चलते भाई जो सामान मैं और मौसी सुबह लेने आए थे वो लेने के लिए, रास्ते में ही है भाई दुकान, उसके बाद कहीं नहीं रुकना, उसके बाद भाई सीधा गाज़ियाबाद रुकेंगे और खाना वगैरह भाई वहीं खाएंगे, वहीं पे आज खाना वगैरह। चलो एकदम बाहर रोशनी से एकदम अंदर अंधेरी में होना तो कैमरा थोड़ा सा टाइम लेता है फोकस करने के लिए, बिल्कुल काला काला हो गया होगा, अब बिल्कुल साफ दिख रहा है फेस। ड्रेस होगी शर्ट पहना दूँ तो भाई मैं महंगा इंसान हूँ ना, इतना बड़ा ब्लॉगर रहा तो सकल तो दे ले कौन तेरी 1200 की शर्ट पहना दूँ 1200 में 200 नहीं उठाते साइड में मैं एक तो। ना ना बहुत सुनो छोरो है क्या हो गया तो 1200 ही ले ली तो मेरी से गए थे बैठ दे तेरा 10 रुपये भेजना कह रहे थे ना। अब लेंगे सामान जो मौसी के साथ लेने आया था ना मैं, वो सामान लेंगे भाई और कैमरा गाड़ी में ही छोड़ दे भाई, क्योंकि कैमरा का सामान वगैरह मैं अकेले ही लेने आया हूँ। तो ज्वेलरी शॉप से लेना भाई, ज्वेलरी शॉप अभी तो अभी खुली है, पहले बंद थी, तो जल्दी से सामान लेके चलते हैं। जो सामान हम लेने आए थे वो हमने ले लिया है और मैंने भाई मेरा चैन का पूछा, मुझे मेरी चैन साफ करानी थी तो ये बोल रहे भाई बाहर करवा के देंगे यहाँ पे नहीं होगा, तो भाई बाहर से ही करवानी पड़ेगी मेरे को। बाकी भाई जो मैं सामान लेने आया था वो भाई ले लिया है और अब चलते हैं गाड़ी में, लेट हो गए काफ़ी, फ़ोन आ रहा है पापी का भी कि इतना लेट कैसे हो गया, तो जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा गाज़ियाबाद। गाड़ी से निकलने के बाद भाई बाहर घूमने का दिल ही नहीं होता। लाओ 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 यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है ना अंकल जी, ठीक है ना यहाँ पे ठीक है ठीक है। अंकल जी मानने नहीं, अंकल जी कह रहे वहीं लगाओ यहाँ पे छाया आ जाएगी थोड़ी देर में, हम बोल रहे थे वहाँ पे छाया थी वहाँ पे लगा लें दो, बोले नहीं भाई यहीं लगाओ थोड़ी देर में छाया आ जाएगी आधी घंटा में, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है तो इसके पीछे सूरज जाने वाला है तो यहाँ पे छाया आ जाएगी। अब चलते हैं भाई ऊपर और भाभी जी से मिलेंगे और सबसे मिलवाएंगे आपको, और काफ़ी दिन हो गए भाभी जी से मिले तो देखते हैं भाभी जी क्या बोलती है मिल्की। कितने दिन हो गए भाभी जी से मिले? काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। लिलीपुटियन भाभी जी से मिले तो अभी ऊपर जाके मिलते हैं। कौन से फ्लोर पे हैं? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया, ठीक है एकदम बेस्ट। ये देखो भाई कितने छोटे छोटे समोसे हैं भाभी। भाई आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं ये तो वो है जो आपने बोला ये तो ज्वेलरी आपकी, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए अलग से। अरे वाह कैसे लगी आपकी ड्रेस? मैंने ना वहाँ एक घंटे तक सोचा कि ये आ जाएगी क्या, मेरे यहाँ तक आ रही थी, मैंने कहा ये तो इतनी सी है ये कहाँ आ जाएगी, कैसा भाई आ जाएगी। भाभी कैसा लगा गिफ्ट?
कल मैं और भाई लेके आए हैं स्पेशल चुपके चुपके ऊपर में जाके। तो पापजी घर पे पहुंच गए हैं। पापी के पियाओगे बताओ आज? जो आप चाहो। कैंपा कोक मेरी फेवरेट है, गर्मी में भाई कोक अच्छी रहती है। मामी जी आपने मेरे लिए छोले भटूरे बनाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू बोला था, मैं पापी को बोला था जाके, फिर पापी बोली मामी जी को बोलो थैंक यू सो मच आपने छोले भटूरे खा के बताना कैसे बने। आपने बनाए तो स्वाद ही नहीं। स्कूल लग गए आपके? चल तो रहे हैं पर एक हफ्ते बाद जाना है। एक हफ्ते बाद जाना है? चलो कैसा चल रहा है स्कूल में? मजा आ रहा है? गर्मी कैसी है? बहुत गंदी गर्मी। तो गाइस ये है हमारे नाना जी, जिनकी मूछें बिल्कुल भाई जैसी है। नाना जी की और भाई की मूछें बिल्कुल सेम है लगभग, आप देख सकते हो। नमस्कार। और भाई यहाँ पे कूलर चल रहा है तो मतलब पुराने वाली वाइब्स आ रही है और अच्छा मतलब ठंडा रखा है कूलर ने, काफ़ी ठंडा कमरा का रखा है। तो मैं दिल कर रहा हूँ यहीं बैठ के बातचीत करता रहूँ बस नाना जी से। भाई कैसे लग रहा है गेम के लिए? भाई के गेम है बेरो कौन पटा मैं कौन हूँ देवनी ना बेरो पटा मैं कौन? आपको कैसे लगता है गेम? आगे मेरा किसी है देगी आगे मैं मर गया अगलो क्या मैं नहीं देखो के होगा भाई साहब तो मर गया था वही बुरू। ग्राफिक्स भाई ग्राफिक्स की तो पूछो ना, इतने महंगे ग्राफिक्स है? अल्ट्रा ग्राफिक्स है, दो पीसी लग गए चलाने खातर। तो भाई पर ये फिलवा रही है ना, गलती है गलत लग गई। अरे वो भी बस एक छोटा सा कैरम बोर्ड उसकी प्लास्टिक की है, ये सारी की सारी बोल ये गुटियां जो है खेलने तो पीसी गेम खेलो आराम से। सुनो अरे भाई चुप गया ना, छोले भटूरे पहले खा ले। हाँ। भाई पहले खा लो ना, खा लेंगे नहीं भटूरे ठंडे हो जाएंगे, मैदा फिर पेट में दर्द करेगा। हाँ भाई सही कहो बाबी, सास राम नहीं खाऊंगा कड़ा खाऊंगा रोटी तो खाऊंगा तो इसको हटा लो फिर। तो भाई छोले भटूरे आ गए हैं, अब छोले भटूरे खा के और फिर देखते गेम खेलेंगे या फिर मूवी वगैरह का प्लान बनाते कुछ। तो भाई खाना वगैरह खा लिया है और काफ़ी स्वादिष्ट खाना था, और अभी भाई हम 6:30 बजे तक यहीं हैं। तो अभी नीचे गाड़ी में जा रहा हूँ भाई मैं इसका मेमोरी कार्ड चेंज करने के लिए, क्योंकि इसका मेमोरी कार्ड भाई भर गया है, क्योंकि इसमें पहले वाला व्लॉग भी पड़ा है, थोड़ी बहुत क्लिप भी पड़ी है। तो नीचे जाके भाई मेमोरी कार्ड चेंज करेंगे इसका। भाई वाइड लेंस लेके आना पड़ेगा क्योंकि भाई ये थोड़ा सा जूम रहता है इसलिए, तो एक दो दिनों में भाई वाइड लेंस मैं ले आऊँगा। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कैमरे का भाई, व्लॉगिंग का भी और साथ में वॉइस का भी काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही करते रहो, हम आपको और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। हाँ तो भाई अब हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए रनवे, और काफ़ी अच्छी मूवी बता रहे हैं भाई की अच्छी मूवी है। तो अभी जाके देखते भाई। और कहाँ हैं शो? PVR में। PVR है गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में भाई PVR मॉल में चलते हैं अब सिनेमा में और मूवी देख के भाई देख बताते हैं आपको कैसी है मूवी रनवे, अच्छा रिव्यू देंगे टेंशन मत लो। हम पहुंच गए हैं मॉल में और मूवी भाई लग चुकी है, मतलब हम थोड़ा लेट है 10-15 मिनट। तो पहले एडवर्टाइजमेंट चलती है और भाई को देखो पूरा कवर कर दिया भाई हमने। अरे आप तो दुकान वाले हैं ना जो ब्लॉग बनाते हो, जाओ यहाँ से। अरे यार खेलने बंदे हो क्या करते रहते हो? तो भाई अभी अंदर चल के देखते हैं मूवी और फिर आपको बताएंगे कैसी है मूवी। अंदर भी बताओ कमेंट में मेरी शर्ट कैसी लग रही है। हम दोनों की शर्टें बताओ भाई कैसी लग रही है। भाई मूवी कैसी थी? मज़ा नहीं आया यार मुझे भाई, इतना मज़ा नहीं आया मूवी में। बाय मामी जी। बाय बाय मामा जी, सॉरी बाय भैया, बाय मामा जी, बाय छोटी, मुझे भी बाय बाय कर दो, जाओ खाली हाथ जाओ, अभी आप साथ में चलो, बाय 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 बाय, सारे हो गए, ओके नेक्स्ट टाइम आना फिर से, ओके ओके ओके। तो भाई अभी निकल रहे घर के लिए और काफी लेट हो गए भाई, 12 बजने वाले हैं। तो चलते हैं भाई अभी घर पे, पहुँचते पहुँचते भाई कम से कम 12:30-1 हो जाएंगे। तो बाय। तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और आज का दिन भाई काफी थकान वाला था। गाजियाबाद गए मूवी देखी और मूवी भाई कुछ ज्यादा खास नहीं लगी,
तो आपकी मर्जी भाई, आप अगर पैसे लगाओ तो, बाकी हमें तो कुछ मज़ा नहीं आया, मैं तो सो गया था भाई थिएटर में। और आज का व्लॉग भाई हम यहीं करते हैं एंड, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय श्री श्याम, बाई।